गाइस, कोरोना के चलते कहीं 2 साल बाद जाके हमें शादियों का माहौल देखने को मिल रहा है और मेहमान भी इन शादियों में पहुंचकर खाना खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी शादी के पंडाल में आग लग जाए फिर भी लोग खाना खाने में मस्त हो। जी हाँ गाइस, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शादी के दौरान अचानक से शादी के पंडाल में आग लग जाती है, लेकिन शादी में पहुंचे मेहमान खाना खाने में ऐसे जुटे हैं कि उन्हें आग लगने का कोई होश ही नहीं। पीछे पंडाल को जलता देखने के बाद भी लोग यहाँ खड़े होकर खाना खाने के मजे ले रहे हैं। गाइस, आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, हाल ही में रूस ने दुश्मनों का पता लगाने के लिए खास तरह की जासूसी चट्टानों को विकसित किया है और इसकी खास बात यह है कि ये दुश्मनों की स्थिति के हिसाब से अपनी पोजीशन बदल सकती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, इस जासूसी चट्टान को 1.5 किलोमीटर दूर बैठा इंसान भी रेडियो सिग्नल की मदद से ऑपरेट कर सकता है। साथ ही दुश्मन की स्थिति के हिसाब से ऑपरेटर इसे वहां से हटा भी सकता है और ऐसी जगह पर सेट कर सकता है जहां से दुश्मन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 360 डिग्री नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने सभी तरह के क्रिकेट फॉर्मेट्स को अलविदा कह दिया है। जी हां गाइस, अब वे आईपीएल जैसी फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग में भी नजर नहीं आने वाले। इससे पहले डिविलियर्स ने सन 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले डिविलियर्स की गिनती ऑल टाइम बेस्ट बल्लेबाजों में होती है। साथ ही आईपीएल में आरसीबी के लिए भी इनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। और यही नहीं, विराट कोहली के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले डिविलियर्स के सबसे ज्यादा फैंस भी भारत में ही हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुए सेमीफाइनल में हर किसी पाकिस्तानी को हसन अली से मैथ्यू वेड का कैच पकड़ने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कैच हसन अली के हाथों छूट गया। इसके बाद मैथ्यू वेड ने पूरा फायदा उठाते हुए 3 छक्के मारकर मैच को ही खत्म कर दिया और ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में पहुंच गया। इसके बाद हसन अली बुरी तरह से ट्रोल होने लगे और बात यहीं तक ही खत्म नहीं हुई। कप्तान बाबर आजम ने भी हसन अली को सपोर्ट नहीं किया और अपने इंटरव्यू में हसन अली का कैच छोड़ना ही मैच का टर्निंग पॉइंट बता दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान की सारी आवाम हसन अली को बुरा भला कहने लगी। अक्षर संत के नाम से मशहूर हरे केला हजब्बा जी को पद्मश्री से नवाजा गया। खास बात यह है कि उन्हें कभी स्कूली शिक्षा मिल ही नहीं पाई। एक बार उनका सामना कुछ विदेशी टूरिस्ट से हुआ जिन्होंने उनसे अंग्रेजी भाषा में संतरों के दाम पूछ लिए, लेकिन वो संतरों के दाम अंग्रेजी भाषा में नहीं बता पाए और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद उनके दिमाग में स्कूल खोलने का आइडिया आया। उनके गांव न्यूपा डापू में कोई स्कूल नहीं था और हजब्बा जी ये नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने झेला उनकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। इसके बाद उन्होंने संतरे बेचकर अपनी जमा पूंजी से एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा हासिल कर सके। इसी वजह से संतरे बेचने वाले 64 साल के हरिकेला हजब्बा जी को देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री दिया गया। गाइस, आपको हरिकेला हजब्बा जी का ये जज्बा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।